ये मेरा नया चश्मा है। तो गाइस, थोड़े दिनों में आने वाला है क्रिसमस। तो आज मैं करने वाली हूँ क्रिसमस की डेकोरेशन। तो फर्स्ट मैंने ट्री सजाया है, एंड तो पहली बात तो हमारे ट्री का स्टैंड टूट गया था, तो हमने उसकी जगह पापा के डंबल्स लगाए। तीन किलो डंबल्स लगाए हमने, और फिर अभी हम फिर हमने अटकाया है इसको। अभी मैं आपको डेकोरेटिव मटेरियल दिखा देती हूँ, जो जो मुझे डेकोरेट करना है उससे। तो ये देखिए, ये जो मैंने थोड़े बहुत ये ट्रीज बनाए थे, ये कैप्स बनाए थे स्कूल में, एंड बेल्स हैं बल्स, एंड ये दो सेंटा हैं जो लटकाने के लिए हैं। ये भी कुछ मैंने बनाए थे छोटे छोटे से, एंड इसमें हमारे पीसेस का भी है जो हम एक हाउस बनाएंगे उसका। देन भी थोड़े बहुत ड्रम्स हैं इसके, जो ड्रम होते हैं छोटे छोटे वो ड्रम्स हैं। देन कुछ बेल्स एंड डिस्कोलाइट बेल्स नहीं है, नॉर्मल वाले डिस्कोलाइट है के कलर जो हम इसमें सजाने वाले हैं। एंड देन ये दो तीन ये झल्लर बता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये लटकाने के लिए है। एंड देन थोड़ी बहुत पत्तियाँ, ये कुछ टॉयज, एंड थोड़े बहुत थर्माकोल के प्रेजेंट्स हैं मेरे पास, एंड थोड़े बहुत मैंने स्टार्स और ये बेल्स कट की थी। एंड नाउ इट्स डन, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर डेकोरेट माय ट्री। सो गाइस, मैंने यहाँ पे जानवर लगा दिए जो कि आपको दिखने चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं। एंड अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डेकोरेट। ठीक है, तो पहले मैं थोड़े बहुत ये जो मेरे पास क्यूट से प्रेजेंट्स हैं छोटे छोटे, वो मैं लगा देती हूँ थोड़े बहुत वहाँ पे। तो या जल्दी से इसको लगा देते हैं। ठीक है, सो गाइस, हमने ये एक क्या कहते हैं प्रेजेंट से इसको भर दिया है। नाउ अभी मैं ये जो छोटे छोटे से ड्रम्स है ना, इनको मैं अभी इसके ऊपर सजाने वाली हूँ। तो जल्दी से सजाते हैं, एंड जो हमने गिफ्ट्स लिए थे थोड़े बहुत ऐसे लगा दिए, एंड ये जो छोटे को ही सोया कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है। अभी मैं थोड़ा बहुत ये ड्रम्स लगाऊंगी, चलो मैं लगा देती हूँ एक दो ड्रम। जीसस का, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारा हाउस बना है। ये देखिए, इनके अंदर जीसस आएंगे, एंड ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे खड़ा होगा। ये ऐसे हमने यहाँ पे रॉक्स एंड ये और लोग सारी चीज़ें बिछा दी हैं, बस उसमें जीसस एंड ये सब लगाना बाकी है। अब और ये सारे कटआउट्स हैं, बेबी है, ग्लोरिया, शीप्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जीसस सब कुछ है। एंड अभी मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं यहाँ पे बस कॉटन लगाने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज है हमारा थर्ड डे। जो आपने लास्ट देखा उसमें हम दोनों को गई शॉपिंग, मम्मा और मुझे शॉपिंग पे जाना था नहीं क्लोज को डेकोरेशन के लिए, बट आज मेरा डेकोरेशन इट्स सेकेंड थर्ड डे, आज मेरा डेकोरेशन पूरा हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ,
सो यहाँ पे तो पहले हमारा ट्री है और ये हमारा जीसस का हाउस भी बन चुका है। एंड अगर आप सोच रहे होंगे कि ये स्टैचूज हैं ये सारे, तो नहीं, ये स्टैचू बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने पेपर है और हमने इसके पीछे ऐसे बॉटल्स लगाई हैं तब ये जाके खड़ा हो पाया है इसलिए। और यहाँ पे ये जीसस गाय सब है, यहाँ पे इनका हाउस बना हुआ है पूरा, सैंटाज ऊपर, मैरी क्रिसमस सब कुछ लगा हुआ है। एंड यहाँ पे अब आता है हमारा जाइंट ट्री, ऊपर मैरी है ठीक है, और ये मेरा एक सॉक्स है जो मैंने प्यार से बनाया है जिसमें अपनी मैं विश रखूंगी और ये हमारा छोटा ट्री है। अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइट्स ऑन करके, लाइट्स ऑन। सो देखा गाइस, लाइट ऑन हो गई मेरी बर्थडे, देखो तो ये अच्छी सी लाइट है। और अभी मैं ये वाली लाइट ऑफ की, लाइट्स वाली लाइट ऑफ कराने वाली हूँ। सो लाइट ऑफ। सो गाइस देखा, ये कितना ही सुंदर लग रहा है लाइट के मतलब ऑफ होने पे। और हाँ, मैंने ना एक रेड पेपर जो आता है ना पैकिंग का, मैंने उसके काट के छोटे छोटे यहाँ पे स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं पूरे कॉटन्स, इतना मुझे सुंदर लग रहा है ना। वाह, यहाँ पे गिफ्ट्स पड़े हैं, मुझे रियली इट्स गुड। लाइट्स ऑन प्लीज। या सो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सो गाइस, मैरी क्रिसमस। एंड आपको वीडियो मतलब देखोगे ना आपको सब। और हाँ, मेरी लास्ट 2-3 वीडियोस हैं जो कि एक सॉन्ग की है, एक 2 डांस की है। तो आप कमेंट कर दीजिए, मतलब आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन। एंड बाय बाय गाइस, मैरी क्रिसमस। ये एक ड्रेस
सा, और ये एकदम सॉफ्ट एंड गुड वाइब्स लिखा हुआ है इस पे, एकदम गुड वाइब्स लिखा हुआ है। देखो कितना सॉफ्ट है ये मैम, आपको दिखा अगर छुआ कर सकती है बहुत मजा आएगा आपको भी। तो यही थे मेरे इस साल के क्रिसमस के गिफ्ट्स एंड सबसे अच्छा लगा ये कौन है।